कल्की को अगर हम बात करें, कल्की का एक अपडेट आया था कल, और अमिताभ बच्चन के पोस्टर को लेके वो अपडेट था। बहुत से लोगों ने बोला भाई अपने उस पर वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली रियलिटी ये है कि वैजंती मूवीज़ की तरफ से ये बोला गया है कि आज शाम के 7:15 बजे, 21 ही है ना आज तारीख, आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स इंडिया यानी कि जो IPL है उसमें इनका कोई ना कोई अपडेट आने वाला है। फर्स्ट ग्लिम्स बोलो या जो भी वो कैरेक्टर है, समय आ गया है जो अमिताभ बच्चन का वो कैरेक्टर है उसको लेके वो अपडेट देने वाले हैं। यार देखो, कल्की को लेके ना दो अपडेट्स हैं मेरे पास, मतलब अपडेट्स नहीं, आप जो बोल रहे हो ना प्रिडिक्शन करो इसको लेके। सबसे पहले तो 600 करोड़ में बनी हुई ये फिल्म है, उसका नॉर्थ में हाइप क्रिएट इनको करने के लिए 1-1.5 महीना लगेगा। जैसे भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। आप कितना भी बोलो हाइप है हाइप है, भाई पुष्पा 2 की हाइप इससे 4 गुना नॉर्थ में अगर अल्लू अर्जुन ने कुछ प्रमोशन नहीं भी किया ना तो भी है, क्योंकि वो पार्ट 2 है। कल्की का हाइप नहीं है भाई, उसके लिए इनको क्रिएट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। प्रभास को घूमना पड़ेगा भाई नॉर्थ इंडिया में। साउथ में तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी फैन फॉलोइंग तगड़ी है ना कि तुम मत करो प्रमोशन, चल जाएगा। नॉर्थ में ये फिल्म अगर अच्छा नहीं करेगी तो 600 करोड़ का बजट निकलेगा कैसे? पैन वर्ल्ड फिल्म बना रहे हो तुम, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हाइप नहीं है। और तुमने ऊपर से वो दीपिका को ले लिया भाई, वो तो 1% इंटरेस्टेड नहीं है उस फिल्म में तुमको कोई दूसरी। अरे भले उसके फ़ैन फॉलोइंग ठीक ठाक है, पर इसका मतलब ये नहीं वो कोई ध्यान नहीं देती है। और इतनी बड़ी फिल्म के लिए आपके एक्ट्रेस ने ध्यान देना चाहिए था। व्हाई नॉट समंथा, ले सकते थे तुम उसको एक अलग। मैं तो शॉक्ड हूँ भाई ये स्टार कास्ट को लेके। अमिताभ बच्चन ठीक है भाई, वो भी प्रमोशन अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करेगा। कमल हसन एक ओके है, वो उसका तमिल में समहाउ आएगा इम्पैक्ट। DQ का भी मैं बोलूँ कि ठीक ठाक है भाई फैन फॉलोइंग, और वो मलयालम वगैरह में जो भी है वो करेगा। पर व्हाट अबाउट मेन थिंग, हिंदी? हिंदी में आपने दीपिका अमिताभ बच्चन पे जिम्मेदारी पूरी छोड़ दी है, प्रभास के स्टारडम पे छोड़ दी है। स्टारडम से नहीं होगा भाई, आपको बहुत प्रमोशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो होगा सो होगा। और वो भी ये फिल्म कनेक्ट होनी चाहिए लोगों को, तो साईफाई फिल्म में भारत में उतनी नहीं चलती, कुछ चलती इक्का दुक्का बस। तो 600 करोड़ बजट बहुत होता है बॉस, तो ये सब कुछ है भाई, ये एंगल है। और इसीलिए आप जो बोल रहे हो ना कि सलार के वक्त में इतना पॉजिटिव था, कल्की के वक्त अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ प्रमोशन। जो दिखता है वो तो नहीं ना टाल सकते। सलार के वक्त भाई प्रमोशन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन हाइप थी। सलार 2 तो भाई देखो, सलार 1 ने बाहुबली 1 का वर्ल्ड वाइड तोड़ा था, सलार 2 बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड तोड़ेगा, ये मैं आज ही बोल दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं ये ओपनली। बट कल्की अलग है, कल्की का बजट इतना ज़्यादा होने के बाद भी आप नहीं करवा पाए कनेक्ट। भाई एक तो बार बार पोस्टपोन होना, ऊपर से कोई क्लियरिटी नहीं है, और पता नहीं भाई क्या होगा, देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी नहीं चलेगी, बट हिंदी में उतना नहीं चलेगी अगर ये ऐसा ही रहे तो। इनको बहुत तगड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा। कल्की इज़ लाइक इतना बड़ा बजट वाली फिल्म, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को हिंदी में पता भी नहीं है कि ये फिल्म आ रही है। तो ये फ़र्क है यार, प्रभास की फिल्म में पता, सलार के बारे में सब कुछ पता था, उसने रिजल्ट भी दिया, उसका बजट भी तो कम था यार। 200 करोड़ की फिल्म थी, पार्ट 1 का 200 करोड़ है, पार्ट 2 का 200 करोड़ है, उसका तो कन्फर्म है बजट। वो 450 करोड़ नेट कलेक्शन गई थी, वर्ल्ड वाइड वो 750 करोड़ गई थी। अब 200 करोड़ की मूवी इतना जाएगी तो वो ब्लॉकबस्टर बनेगी ना? कल्की का बजट ही 600 करोड़ है, और आई थिंक हिंदी में तो सलार ने 160-170 करोड़ कमाया था, जो कि बहुत बेहतरीन था। अब कल्की 600 करोड़ में अगर बनती है तो हिंदी में तुम 200-250-300 तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, पर हाइप तो हार्डली 100 करोड़ की हाइप है, 100 भी बहुत होता है, पर पता नहीं क्या होगा। प्रमोशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, वरना मुश्किल है। आई डोंट नो कि डायरेक्टर इतना लाइटली क्यों ले रहे इस फिल्म को नॉर्थ में। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की बात अलग है भाई, कल्की की बात अलग है, देखते हैं क्या होता है।